समौर में सर्वहितकारी प्रेस क्लब का सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ। कुशीनगर जिले के पावन धरती समौर बाजार के खरवार धर्मशाला हनुमान मंदिर में सर्वहितकारी प्रेस क्लब का मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें दूर दूर से पत्रकार एकत्रित हुए। सभी पत्रकारी प्रेस क्लब में तमाम बिंदुओं पर चर्चा किए, जिसमें आने वाले समय में सर्वहितकारी प्रेस क्लब एक मजबूत संगठन बनकर खड़ा होगा। सर्वहितकारी प्रेस क्लब सभी के हितों के ऊपर काम करेगा और आने वाले सभी को इस क्लब से लाभ मिलेगा और लोगों की मदद के लिए खड़ा रहेगा। सर्वहितकारी प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर जी ने इस संगठन को तेजी से मजबूत करने के लिए सभी पत्रकार साथियों से आह्वान किया कि यदि यह प्रेस क्लब में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो आने वाले समय में उनको एक मजबूती मिलेगी और कोई भी शासन प्रशासन उनके ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं करेगा। सच्चाइयों को आसानी से अपनी लेखनी के माध्यम से किसी का भी समस्या उजागर कर सकते हैं और प्रेस में काम कर रहे प्रतिनिधि के ऊपर कोई भी आंच नहीं आए, इस बात पर चर्चा की गई। हर प्रेस से सर्वहितकारी प्रेस क्लब में तेजी से जुड़ रहे हैं, जो प्रेस से नहीं है उनको भी इस संगठन में जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं जिलाध्यक्ष रामाधार द्विवेदी जी ने संगठन को मजबूती करने की बात कही। प्रथम दिवसीय पत्रकार सम्मेलन समारोह रहा। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर ने कहा कि कुछ पदाधिकारियों का जिम्मेदारी बढ़ाया जा रहा है, जिसका जल्द ही हम घोषणा करेंगे, और आगे कहा कि सर्वहितकारी प्रेस क्लब आने वाले समय में पत्रकारों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कार्यक्रम को समापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में सभी संगठन के प्रेस क्लब लोगों की मदद के लिए हर पल तैयार रहेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजक रहे शत्रुघ्न कुमार यादव, मिथिलेश मधेशिया, श्रवण कुमार गौतम, अंकित शर्मा, हरिकेश भारती, अनिल ओझा, मिथिलेश सिंह। इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए दूर दूर से हर प्रेस से पत्रकार मौजूद रहे। अभी 14 तारीख से यज्ञ शुरू हो रहा है, मतलब तो बगल में है, हो गया दिन में इनका कार्य है, सब दिन में समय से ही मौका मिलेगा, हम लोग बात करेंगे और सभी लोग मिलकर जितने भी जिले में हमारे लोग थे, जहाँ कार्यक्रम शाम को होगा 5 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगी, 8 बजे तक होगा, करेंगे सारा व्यवस्था करने के बाद रात्रि में अपने अपने घर को जाएंगे और एक ऐसा प्रोग्राम होगा ताकि किसकी जो छवि हो, सब हितकारी परिवार से एक छवि, जो सुंदर छवि निकल कर आए और सरकार तक पहुंचे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार से जो भी सुविधा है इनको दिलवाने का काम कर ही रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे छवि बने और सब कोई राज्य में कार्यक्रम हो, हमारे रामाधार द्विवेदी जी जो जिलाध्यक्ष हैं सर्वहितकारी कुशीनगर के, उनके नेतृत्व में संपूर्ण राज्य में कार्यक्रम हो और हम चाहेंगे कि सभी लोग सहयोग करें उसमें और कार्यक्रम भव्य रूप से कराया जाए। इसी विभाग देते हैं, आइए संचालन के लिए सब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े भाई परविंदर गुप्ता जी, अभी इनके द्वारा आप इनके शब्दों को सुन रहे थे, साथ ही हम सभी के बीच में बैंकों की वाली जी का आगमन होता है और दोस्तों आप अपने शब्दों के साथ ही सर्वहितकारी परिवार को आप अपने बातों को रखने का काम करें। स्वागत है आपका प्रार्थना समय। स्थापक सर्वहितकारी प्रेस क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित घनश्याम प्रसाद सागर जी और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए सर्वहितकारी पत्रकार परिवार के सदस्यगण, आप सभी को नमन वंदन करते हुए मैं अपने बारी अपने बातों को रखना चाहता हूँ। साथियों, संगठन और पत्रकारिता एक बहुत ही पवित्र संगठन से हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बदनाम कर चुके हैं इस पत्रकारिता को और पत्रकारिता पेशा नहीं धर्म, इस पर मैं बहुत ही लेख लिखा हूँ जो यहाँ पढ़ने का समय नहीं है, मैं ग्रुप में लिख कर डाल दूंगा। प्रेस दर्पण है देश का, प्रेस भविष्य है देश का, प्रेस तुम बिकना मत क्योंकि तुम रीढ़ हो देश का। इसका ऊपर वाला हेडिंग मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पत्ता रूपी बधु के मुखड़े को देखे, आओ पत्रकारिता
कृपा रूपी वधु के मुखड़े को देखें, जिस पर अन्याय के प्रति रोष, असहायों के प्रति न्याय और शत्रु के प्रति मित्रता के नीचे भाव दिखाई दे। यह है पत्रकारिता, यह पेशा नहीं है, धर्म।